नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो को आप एग्जाम के तौर पर ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया है वो लगभग रखा गया है 7 प्रश्नों का, यानी कि 10 प्रश्नों में से आपको 7 प्रश्न अगर आप सही सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी को बिल्कुल अच्छा माना जाएगा। तो आप इसे एग्जाम की तरह बिल्कुल देखें, आप समझें कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप कोशिश करें कि 10 में से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएँ। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रश्न सभी प्रश्न जो इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और ये वीडियो आपके बीपीएससी एग्जाम और साथ ही बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, ये देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न जीके सेक्शन से लिया गया है, तो इस बात का भी ध्यान में रखेंगे सभी प्रश्न जीके से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है, किस विटामिन की अधिकता होती है हरे पत्तेदार सब्जियों में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में मैं आपको लगभग 5 से 7 सेकेंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपना आंसर सोच सकें कि इसका आंसर क्या होगा, और आप अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियाँ निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई हरे पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और ई विटामिन पाया जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो प्रश्न है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 204 हड्डी, 206, 208 या फिर 214। तो वे एक वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जन्म के समय एक मनुष्य में यानी कि एक बच्चे में जो अस्थि की संख्या होती है वो होती है 306, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये आपस में जुड़ते जाते हैं और इसकी संख्या जो है वो घटती जाती है, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की संख्या में कमी आती है, वे जुड़ने के बाद वे कम हो जाती है और 206 तक आकर सिमट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। तो एक वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 206। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। रक्त के बारे में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है, किस सिरे से प्रवेश करती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाएं सिरे से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रक्त जो है वो महाधमनी में बाएं सिरे से प्रवेश करती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रक्त महाधमनी में बाएं सिरे से प्रवेश करती है। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होता है, दूध के दांत में क्या शामिल नहीं होता है एक 3 साल या 4 साल के छोटे बच्चे में। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है, कृदंत, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि 3-4 साल के एक छोटे बच्चे में दूध के दांत में क्या शामिल नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर होगा चवर्णक, यानी कि ए बी और डी यहाँ पे शामिल होता है एक बच्चे के दूध के दांत में, यानी कृदंत, रदनक और अग्रचवर्णक ये शामिल होते हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा था कि दूध के दांत में क्या शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा चवर्णक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, एक वयस्क मानव 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आई होप कि सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित किया जाता है एक वयस्क मानव के द्वारा। एक दिन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 24 घंटे यानी कि एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन किया जाता है एक वयस्क मानव द्वारा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे यहाँ पे छठा प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, काले रंग या फिर नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, कॉर्निया, रक्तपटल, आयरिस या फिर विट्रियस बॉडी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा आयरिस, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
कि आयरिस जो होता है वो नेत्र के अंतर्गत भूरे रंग, काले रंग और नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरिस। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह होता है, यानी कि सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला, वह कौन ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह होता है ओ, और सर्वग्राही व्यक्ति का रक्त समूह होता है ए बी, यानी कि ए बी ग्रुप वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो किसी भी ग्रुप वाले का ब्लड ले सकते हैं, और ओ ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सभी ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं, यानी कि सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है ओ को और सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है ए बी को। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अधिवृक्क ग्रंथि जो कि रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही खून का भी निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ते हैं दसवां और अंतिम प्रश्न इस सेट का, मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है। यहाँ पे हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन के कारण, इस हार्मोन के स्राव के कारण मनुष्य में बौनापन होता है। मनुष्य किस हार्मोन के स्राव के कारण बौनापन का शिकार होता है। करेक्ट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसी हार्मोन के स्राव के कारण मनुष्य बौनापन का शिकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 10 प्रश्नों का जो सेट था ये समाप्त होता है। आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया वो भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बने रहने का फायदा जरूर होगा। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और इस चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन आपको एक सेट अवेलेबल कराया जाए, और प्रत्येक सेट में 10 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न जो होंगे वो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो ये 5 से 7 मिनट के वीडियो में आप 10 प्रश्नों को देखेंगे और अपनी तैयारी को समझेंगे कि आपका जीके का तैयारी कैसा है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।